वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो वेलकम है आपका फिर से एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम जानने वाले हैं एमएससी सेकेंड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट, जो है जिसे कॉर डेटा के नाम से जाना जाता है, उसके पेपर का आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। मुझे पेपर मिला था कहीं किसी यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटीज़ है, तो वहाँ पर एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ क्यों ना पेपर डिस्कस कर दिया जाए, ताकि बच्चों को आइडिया लग जाए कि उन्हें कैसे राइट करना है और कैसे लिखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पेपर किस तरीके से पूछा जाता है। ये आप देख सकते हैं 2022-2023 का पेपर है, पेपर फर्स्ट कॉर डेट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से पेपर आता है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर इन नोट्स के आपको पीडीएफ चाहिए या इन चीज़ों के आपको पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको और बता दूं कि इस बार एमएससी सेकंड सेमेस्टर का हम लोगों ने सिलेबस तो कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन इसके बाद ज़रूर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसकी वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ पेपर डिस्कस कर लिया जाए, एटलीस्ट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से पेपर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए क्या हुआ है, ऑल क्वेश्चन कंपलसरी है। गिव आंसर ईच पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इन 100 वर्ड्स एंड फॉर रिमेनिंग क्वेश्चन इन 800 वर्ड्स। इसमें देखिए जो पहला पार्ट यानी कि पहला क्वेश्चन है, उसके सभी का आंसर कितने वर्ड्स में देना है, 100 वर्ड्स, मतलब कि एक पेज या डेढ़ पेज में, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। मार्क मेंशनड है आगे क्वेश्चन के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें क्या है कि आपके 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें से आपको 3 मार्क्स पर क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आपको शॉर्ट नोट लिखना है किस चीज़ पे, प्लैकवाइड स्केल, ठीक है। प्लैकवाइड स्केल के बारे में मैं आपको बता दूं, तो जब आप फीसेस के बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ पे कॉन्ड्रिक्थिस फीसेस और ऑस्टिक्थिस फीसेस के बारे में पढ़ेंगे। प्लैकवाइड स्केल या इलाज्मोब्रांक, जिसको कहते हैं कॉन्ड्रिक्थिस फीसेस का, उसका क्या है कैरेक्टरिस्टिक है। बात की जाए नियोटनी का, तो ये आपके इस कहाँ से पूछा है, ये आपके एम्फीबियन से पूछा है। जो एम्फीबियन का लार्वा होता है, जो मेढक का लार्वा होता है, उसमें नियोटनी देखी जाती है, यानी कि वहाँ पे क्या होता है, लार्वा से एडल्ट बनता है, तो उस प्रोसेस को नियोटनी कहा जाता है। और फिर स्फिनोडॉन की बात की जाए, तो ये एक क्या है, फॉसिल स्पीसीज है, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना था। अडाप्टेशन इन टू एम्फीबियस लाइफ, एम्फीबियस लाइफ में अडाप्टेशन कैसे होता है, कैसे वो टेरेस्ट्रियल और मतलब कि वो लैंड पे भी रह लेते हैं और वाटर में भी रह लेते हैं, इसके बारे में। एग लेइंग मैमल्स के बारे में आपको बताना था थोड़ा सा। मार्सुपियल्स जो होते हैं, एग लेइंग मैमल्स जिनको कहा जाता है, जैसे कि डकबिल प्लेटिपस वगैरह पाए जाते हैं, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना था। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आपके क्या हैं, लार्ज क्वेश्चंस आ गए हैं, जिसमें देखिए किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है डिटेल, आपको एक लंबा क्वेश्चन दे दिया गया है जो 15 मार्क्स का है, लेकिन आपको इन दोनों में से और करके एक क्वेश्चन और दिया गया है, इन दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है। पहले क्वेश्चन की बात की जाए, तो पहले क्वेश्चन में कहा है डिस्कस जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिनिटीज ऑफ होलोसिफैली। जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जो आप लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा कॉर्डेट्स में, तो क्लासिफिकेशन में आपने होलोसिफैली के बारे में पढ़ा होगा, तो इसका जनरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसकी दूसरे स्पीसीज़ के साथ एफिनिटीज़, मतलब इसका क्या कह सकते हैं, जो क्या एफिनिटी है, कैसे ये एक दूसरे से रिलेट करता है, उसके बारे में आपको जानना था, और ये 15 मार्क्स का था। बात की जाए सेकंड क्वेश्चन की, तो इसको आपको नोट लिखना था हर चीज़ पे, लंग फिशेस के बारे में, जिसको डिप्नोई भी कहा जाता है, ठीक है, लंग फिशेस के बारे में, जिसमें 3 स्पीसीज़ आती हैं, नियोसेरेटोडस, प्रोटेप्टरस और लेप्टोसायरन। ये तीनों स्पीसीज़ आती हैं लंग फिशेस में, नियोसेरेटोडस, लेपिडोसायरन और प्रोटोप्टेरस, जो कि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अमेरिका में पाई जाती हैं, ठीक है। ये तीनों बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, ये ऐसी फिशेज हैं जो जब से ये इनका ओरिजिन हुआ है, तब से ये सेम एज सेम पाई जा रही हैं, ठीक है। तो लंग फिशेज के बारे में आपको पढ़ना था, जब आप फिशेज पढ़ते तो उसमें लंग फिशेज के बारे में पढ़ाया जाता, ठीक है। बात की जाए फिर सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा था डेवोनियन फिशेज, तो डेवोनियन फिशेज के बारे में आपको लिखना था शॉर्ट नोट, और ये एक क्वेश्चन 7.5 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 7.5 नंबर का, 7.5 नंबर का ईच क्वेश्चन था। फिर मूव करते हैं अगर थर्ड क्वेश्चन की तरफ, तो थर्ड क्वेश्चन में भी पूछा गया था दो तरीके का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन डिटेल में आपको लिखना था, जो कि 15 मार्क्स का था, और दूसरा क्वेश्चन जो है और करके दिया हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, इन दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन करना था। दूसरा क्वेश्चन था आपका, जिसमें दो लिखने थे हाफ हाफ करके। अगर आपको पहला आता तो आप पहला अटेम्प्ट करिए, दूसरा आता तो दूसरा अटेम्प्ट करिए, आपको ऑप्शन दिया गया है, दो में से एक ही करना है।
ओरिजिन ऑफ टेट्रापोडा के बारे में बताना था कि टेट्रापॉड जो चार पैरों से चलने वाले लोग हैं उनकी ओरिजिन कैसे हुई, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल कम से कम 6-7-8 पेजेस का तो आपका लिखना ही रहता है, जिस तरीके से आपकी कॉपीज दी जाती हैं उस तरीके से। और दूसरा क्वेश्चन था गिव ब्रीफ अकाउंट ऑन द फॉलोइंग, किस पे डिस्कस द पेक्यूलरिटीज़ ऑफ यूरोडेला। यूरोडेला एक एम्फीबियंस का क्लास है, ठीक है, उसकी पिक्यूलरिटीज़ यानी कि उसके ऐसे फीचर्स के बारे में बताना था कि जो कि सिर्फ यूरोडेला में ही पाए जाएँ, दूसरे में ना पाए जाएँ। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन पूछा था जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए न्यूरा के जनरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही पूछा था। ये दोनों क्वेश्चन कहाँ से था, ये आपका था टेट्रोपोडा वाला क्वेश्चन आपका मैमल्स से था और ये आपका कहाँ से था, एम्फीबियंस से था, ठीक है। फिर मूव किया जाए अगर सेकंड क्वेश्चन की तरफ, तो सेकंड क्वेश्चन में दो तरीके का क्वेश्चन पूछा था। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ भी 15 नंबर का आपको डिस्कस करना था, ठीक है, और दूसरा और करके पूछा था, यहाँ पे भी ये बड़ा क्वेश्चन, दोनों 15-15 मार्क्स का ही पूछा गया था। पहले क्वेश्चन में आपको बताना था डिस्कस ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, किस तरीके से फिश एम्फीबियन रेप्टाइल्स बर्ड्स मैमल, तो एम्फीबियन के पास रेप्टाइल्स का ओरिजिन कैसे हुआ और इनका इवोल्यूशन कैसे था, कैसे ये इवोल्यूट हुए इनके बारे में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना था जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ किलोनिया एंड रिंकोसिफेलिया, ये क्लासेस हैं इनके बारे में आपको, किलोनिया क्लास के बारे में और रिंकोसिफेलिया क्लास के बारे में आपको बताना था, इनका क्या इसमें ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कौन से ऑर्डर पाए जाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इसमें लिखना था पूरा डिटेल में। पहले आप जनरल ऑर्गेनाइजेशन बताते, फिर बताते इसमें कौन सा ऑर्डर पाया जाता है, कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं, ऑर्डर में भी सब ऑर्डर्स पाए जाते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताना था। फिर अगर मूव किया जाए लास्ट क्वेश्चन यानी कि 5th क्वेश्चन, यहाँ पे इस पेपर में 5 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या था, पहले में 5 क्वेश्चन थे जिसमें पर क्वेश्चन 3 नंबर्स आपको मिलने वाले थे और आपको शॉर्ट नोट 100 वर्ड का लिखना था, बाकी सारे क्वेश्चन में 800 वर्ड्स आपको लिखने थे, ठीक है। और ये क्वेश्चन पेपर सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का है, तो यहाँ पे ऐसे ही पूछा जाता है। और मुझे लगता है कि हर जगह पे भी अगर कोई चीज़ थियोरिटिकल पार्ट में पूछी जा रही, थियोरी वाले पेपर आ रहे हैं, तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पांचवा है डिस्कस फ्लाइट एडाप्टेशन इन बर्ड्स, बर्ड्स में फ्लाइट एडाप्टेशन किस तरीके से पाया जाता है। डिस्क्राइब ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैमल, दूसरा क्वेश्चन था ओरिजिन ऑफ एंड इवोल्यूशन ऑफ मैमल्स, बर्ड में फ्लाइट एडाप्टेशन यानी कि जो चिड़िया उड़ती है, ठीक है, तो उसमें फ्लाइट एडाप्टेशन कैसे, जैसे कि उसका शेप देखिए, स्पिंडल शेप की पाई जाती है, उसमें क्या पाए जाते हैं, विंग्स पाए जाते हैं उनकी, उनके अंदर कुछ ऐसे बोन्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा खोखले होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं उड़ने में, तो बहुत सारे इस तरीके के अडाप्टेशन पाए जाते हैं, उस अडाप्टेशन को आपको डिस्कस करना था यहाँ पे। और ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैमल्स के बारे में बताना था कि मैमल्स का किस तरीके से ओरिजिन हुआ था और उनका किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ था। तो यही क्वेश्चन कुछ थे, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ, इस तरीके से क्वेश्चन पेपर एक आता है, तो मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर मैंने किसी से लिए थे, इसी ईयर ये पेपर हुए हैं, तो आपको सोचा डिस्कस कर दूँ। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।